सो फ्रेंड, इस तरह के स्टार्टअप्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको ऑनलाइन मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन में जाने के बाद आपको इधर से 4.5 रेशियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक इमेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आइकन में जाने के बाद इमेज को आपको इधर से ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन में जाना है, ऑडियो में जाना है। जो सॉन्ग में आप स्टार्टअप्स वीडियो बनाना चाहते हैं वो सॉन्ग को आपको इधर से ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको जितना सेकंड रखना है रख सकते हैं, बाकी के पार्ट को आपको ट्रिम कर लें। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए 10.5 सेकंड रखता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इमेज देख सकते हैं इधर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इमेज आपको पूरा जो कि एंड तक पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको लिरिक्स सीखना है। इसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग में आने, आने के बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद आपका जो पहले लिरिक्स आपको जो भी है आपको इधर से लिख लेना है, तो मैं इधर से लिख लिया। उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है, जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आपको साइज कर लेना है। साइज करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको जो टेक्स्ट साइज है आपको थोड़ा उसको इंक्रीज कर लेना है 20 के आसपास। उसके बाद आपको कलर में जाके इधर से वाइट कलर को चूज करना है। उसके बाद राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाने के बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट साइज है आपको उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद आपको इस तरह पूरा अच्छी तरह से इसका जो बीच में अच्छी तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पूरा एंड तक आ जाना है। आने के बाद आपको जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करके तो जो लिरिक्स है आपको पूरा एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर से जो कि प्ले करके सुन लेना है कि आपका जो पहला लिरिक्स कितना है। उससे पहले आपको क्या करना है, इधर से आपको टेक्स्ट का जो स्पेसिंग है थोड़ा आपको बढ़ाना है। इसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में टेक्स्ट में जाके इधर से आपको टेक्स्ट स्पेसिंग इसको आपको सिलेक्ट करना है। जो लाइन स्पेसिंग है आपको इधर से 10% इधर से आपको चूज कर लेना है। करने के बाद आपको इधर से प्ले करके सुन लेना है कि आपका जो पहला लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मैं इधर से जो कि पहला लिरिक्स मेरा 2.21 सेकंड तक है, मैं इधर से जो कि आपको इसको बीच में स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको थोड़ा इसको भी स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद इधर से आपको प्ले करके सुन लेना है कि आपका जो सेकंड लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो सेकंड लिरिक्स है इधर से इतना तक है, तो मैं इधर से स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड लिरिक्स है आपको इधर से एडिट टेक्स्ट में रख के उसको पूरा आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको जो कि लिरिक्स है आपका जो भी सेकंड लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। उसके बाद इस तरह अगर बड़ा हो जाता है आपको इस तरह छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाने के बाद इसको बीच में आना है। उसका जो टेक्स्ट साइज है थोड़ा आपको उसको थोड़ा आपको कम कर लेना है। देख सकते हैं सेकंड लिरिक्स को, उसके बाद आपको थर्ड लिरिक्स को प्ले करके सुन लेना है। इस तरह करके आपका जो पूरा लिरिक्स है स्टेप बाय स्टेप आपको गाना सुनने के बाद लिरिक्स को एक एक करके लिख लेना है। तो फटाफट से मैं लिरिक्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह करके एक एक करके आपको जो पूरा लिरिक्स है आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके इधर से आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ओपन करना है। पहले आप देख सकते हैं स्टार्ट है, उसको आपको क्या करना है, जैसे आपको 50% चूज कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग से आपको 50% चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो फेज आप देख सकते हैं उसको आपको इधर से इंक्रीज कर लेना है, यानी 16% के आसपास आपको इधर से जो कि रख लेना है। तो मैं इधर से जो कि रख लेता हूँ, तो आपको 15.9 नहीं तो 16 आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन आएगा जो कि अल्फा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसका जो अल्फा है आपको जैसे 0.024 आपको इधर से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है देख सकते हैं ओवर फिल कलर, उसको आपको इधर से ऑन कर लेना है। उसके बाद जो फिल है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, इधर से एक प्लस आइकन दे देना है, कलर के ऊपर क्लिक करके वाइट कलर को चूज करना है, फिर से बैक करना है। उसके बाद आपका जो लेयर है लेयर के बीच में आपको आ जाना है। बीच में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से फिर से आपको एक प्लस आइकन दे देना है, फिर से आपको कलर में जाकर रेड कलर या दूसरा कोई कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो कि कलर आ गया। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से जो रैंडम ऑर्डर है आप देख सकते हैं, पहले उसको इधर से ऑन कर लेना है। ऑन करने का जो सीड लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद आपको इधर से एक प्लस आइकन दे देना है। उसके बाद आपका जो लेयर है लेयर एंड में आ जाना है, आने के बाद फिर से एक प्लस आइकन दे देना है। जो सीड है आपको इधर से इंक्रीज यानी कि 3 के आसपास आपको इधर से चूज कर लेना है। तो मैं इधर से जो कि 2.93 नहीं तो 3 आपको इधर से चूज कर लेना है। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो कि इफेक्ट रेडी हो गया। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं जो कि इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। देख सकते हैं पहला इफेक्ट हमारा इधर से रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो कि सिर्फ कॉपी आपको करना है, उसके बाद कॉलर आपको चेंज करना है। तो इसके लिए आपको जो पहला जो लिरिक्स है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ओपन करना है, 3 डॉट में जाके इधर से आपको कॉपी फिट करना है।
उसके बाद सेकंड लिरिक्स में जाके इधर से आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है उसको ओपन करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं इधर जो आपने कॉलर चेंज किया था, तो आपको जो फील देख सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं दो जो कि हमारा की हाईलाइट हो रहा है, जो बीच वाला जो की है उसके ऊपर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको कॉलर में जाके दूसरा कोई कॉलर आपको इधर से चूज कर लेना है। फिर से आपको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से थर्ड लिरिक्स में जाना है। फिर से आपको इधर से पेस्ट इफेक्ट करना है। फिर से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ओपन करना है। उसके बाद आपको फिर से आपको जो फील के ऊपर जाना है, उसके बाद जो बीच में हमने जो की लगाया था उसके ऊपर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, कॉलर में जाके इधर आपको दूसरा कोई कलर चूज करना है। इस तरह करके जितने भी आपको लिरिक्स लिखना है आपको सिर्फ इधर से पेस्ट इफेक्ट करना है। उसके बाद कॉलर में जाके कॉलर आपको दूसरा कोई कलर को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो आपने कॉलर चेंज करने के पहले आपको क्या करना है, जो फील कलर उधर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बीच वाला आइकन है की आइकन, उसके ऊपर जाके दूसरा कोई कलर को इधर से आपको ऐड कर लेना। तो इस तरह देख सकते हैं फाइनली पूरा जो लिरिक्स है अभी मैं ऐड कर लिया, तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला लिरिक्स है उसको आपको छोड़ना है, सेकंड जो लिरिक्स है उसके ऊपर आ जाना है। आने के बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से स्लाइड करना है ऑपासिटी एंड विजिबिलिटी, उसके ऊपर जाके इधर से फेड इन फेड आउट ये वाला इफेक्ट को चूज कर लेना है। उसके बाद फेड इन देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ दिखाई देगा। फेड आउट को थोड़ा आपको इधर से कम कर लेना है, इधर से आपको 16 के आसपास या 12 के आसपास रखना है। फेड इन को 50% जो कि रख लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ, इधर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह आपको जो कि फेड इन फेड आउट इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके जो फेड इन फेड आउट है उसको ओपन करना है, थ्री डॉट में जाके कॉपी फिट करना है। उसके बाद बाकी जितना लिरिक्स है आपको सिर्फ आपको इधर से पेस्ट इफेक्ट कर लेना। पहला जो लिरिक्स है उसको आपको इफेक्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको सेकेंड जो लिरिक्स है उधर से आपको इफेक्ट ऐड करना है, बाकी जितना लिरिक्स है आपको पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको इधर से स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, आपको जो कि स्नो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को ऐड करने के बाद आपको प्लस आइकन में टैप करना है, इस तरह आ जाएगा। थ्री डॉट में जाके इधर से फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाके लाइटिंग में जाके उसको आपको इधर से स्क्रीन कर लेना है। उसके जो फोम वाला वीडियो उसको साइड में देख सकते हैं, ये साइड में आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद नीचे पूरा आपको ले आना है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है टेक्स्ट लेयर के नीचे आपको ले आना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इफेक्ट जो कि अभी लग रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो कि पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप चाहेंगे तो अपने जो चैनल का लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो आपका अगर 10 या 20 सेकंड के लिए बनाते हैं तो आपको वीडियो को जो पार्टिकल वीडियो आपको इधर से ट्रिम कर लेना है। तो देख सकते हैं फाइनली वीडियो रेडी हो गया। उसके बाद वीडियो को सेव करने के लिए आपको इधर से शेयर ऑप्शन में जाना है, वीडियो को आपको इधर से फुल HD में क्वालिटी फुल लग के आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।